हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वेदर है ना, वो काफ़ी ऐसा हो रखा है जैसे कि होता है ना कि मतलब पॉल्यूशन वाला दिल्ली NCR में। और ये कि हो क्या रहा है, पॉल्यूशन ही हो रहा है और ये इतना इफेक्ट करता है ना, इससे खांसी जुकाम इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप भी अगर दिल्ली NCR में रहते हैं तो प्लीज़ अपनी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ना ये पॉल्यूशन मुझे तो बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे इतनी खांसी हो जाती है ना, बस पूछिए मत। तो चलिए, ये तो वो हो गई अपडेट की बात, लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए क्या होता है। गलतियों की अगर बात की जाए तो गलतियाँ इंसान अगर है तो कोई इंसान इस दुनिया में नहीं बना जिससे कि गलती ना हो। हर इंसान से गलती होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने कि जन्म लिया है और वो है और उससे कोई गलती ना हुई हो। मुझसे भी कुछ गलती हुई होगी, आपसे भी कुछ गलती हुई होगी। फ़र्क इतना है कि जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं उनकी गलतियाँ दिख जाती हैं, या फिर छोटी बड़ी गलतियाँ सबसे होती हैं। कहने का मतलब ये है, तो कुछ गलतियाँ बहुत बड़ी भी होती हैं। तो गाइज, मैं जिधर कहना चाह रही हूँ शायद आप लोग समझ भी गए हो। तो आजकल जो चल रहा है आपको पता ही है, मनीषा सचिन और नेहा तिवारी, नेहा आशीष तिवारी की जो कंट्रोवर्सी, वो बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो ये सचिन है ये अपनी गलती भी मान रहा है और इसने एक्सेप्ट भी किया है कि इसने ऐसा ऐसा किया था। तो देखिए, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं उनको, और ऑब्वियसली करेंगे भी क्योंकि सोशल मीडिया पर हैं। तो जब ये सब का शेयर करेंगे तो रिएक्शन तो आना ही है, ठीक है, और गलती बहुत बड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब यार, इतना ट्रोल मत करो, इतना ट्रोल मत करो कि लोग मेंटली मतलब वो इतना परेशान हो जाएं। गलती है, मैं जानती हूँ, और ये सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, गलती हुई तो आपस में उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ठीक है। सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से अपनी इज्जत नहीं उछालनी चाहिए थी एक दूसरे की, ठीक है। इज्जत सबकी होती है, चाहे गलती करी हो या नहीं करी हो, ठीक है। तो अब आप लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है ना, इंसान जब ट्रोल हो जाता है वो बाहर भी नहीं निकल पाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। एंग्जाइटी होने लगती है, अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं, तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है कि इंसान कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, ठीक है, अभी मत करो बैड कमेंट्स यार, उनको मत करो, छोड़ दो आप उनको, ठीक है। तो अभी उनको आपस में सॉर्ट आउट करने दो, ठीक है। और देखिए, सचिन ने करा तो, सचिन जो है उसने करा तो कुछ अच्छा है नहीं, बहुत ही गलत काम किया है उसने। शादीशुदा होने के बाद आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हो, वो भी किससे, जिसे आप समाज की नज़रों में बहन मानते हो, ठीक है। अब हो गया तो हो गया, अब क्या जिंदगी भर उसी के साथ चलना है, उसी गलती के साथ चलना है, ठीक है। आपस में मेरा मानना है कि दोनों पति पत्नियों को ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी चाहिए, ठीक है। अब वो मनीषा उससे मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, अब मनीषा के वो हाथ में है, अब उसे जो डिसीजन लेना है, देखिए वो एक औरत है, उसे जो डिसीजन लेना है वो लेना चाहिए। लेकिन अगर डिवोर्स तक मामला जा रहा है तो मैं तो यही बोलूंगी, एक बार आप लोग आपस में बात कर लो, सोच लो यार, मत करो ऐसे एकदम से, डिवोर्स भी मत लो, पहले एक दूसरे को टाइम दो, लेकिन आपस में सॉर्ट आउट क्यों करना है सबके सामने, क्योंकि लोग तो ट्रोल करेंगे। अभी मत लाओ वीडियो, रोज नई वीडियो डाल रहे हैं लोग, रिएक्शन दे रहे हैं उस पर, लोग भी देंगे, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी मत करो बैड कमेंट, या छोड़ दो उनके हाल पे। अभी नेहा की बात करते हैं, नेहा आशीष तिवारी को देखो, वो तो गलती मानने को भी तैयार नहीं है, जबकि उनके भाई ने एक लाइव की थी जिसमें उन्होंने खुद भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है कि उनकी बहन की गलती है, तो वो तो सॉरी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लीज उनको भी इतना मत ट्रोल करो यार, उनकी एक छोटी बच्ची है, ठीक है, एक छोटी बच्ची है और उसको पालना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी जीना छोड़ देंगी, बच्ची को बड़ा करना है, पालना है। और पता है सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ पे जाता है, किस पे होता है इन चीज़ों का, अगर हमारे बच्चे होते हैं ना तो उन पे असर जाता है, ठीक है। कल को वो बाहर निकलेंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके फ्रेंड्स के मम्मी पापा उन्हें वीडियो देखेंगे, वो घर पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा सुनेगा, या बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, फ़ोन वो जानते हैं चलाना, इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का असर कितना पड़ता है, ठीक है। तुम मत करिए कमेंट, ठीक है, छोड़ दो उनके हाल पे जैसा वो कर रहे हैं, क्योंकि ना इतना परेशान करना किसी को ठीक नहीं रहता। और नेहा का भी ये है कि अगर नेहा से गलती हुई है तो उसे आके, जब तुमने सोशल मीडिया पे कर ही दिया है सबको, तो आके एक बार माफी मांग लो ना, बात खत्म, आपस में कर लो सॉर्ट आउट सब मिलके, और अपनी अपनी लाइफ जियो,
ठीक है, क्योंकि शायद नेहा भी शादी करने वाली थी, अगर वो शादी कर रही है तो उसको अब शादी कर लेनी चाहिए और अपना अलग अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जो हुआ सब एक दूसरे से माफ़ी मांगो। रही बात मनीषा और सचिन की, उनको भी एक दूसरे से अपना मैटर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और डिवोर्स बिल्कुल लास्ट की बात है, ठीक है। अब फ्री मनीषा का डिसीजन होना चाहिए क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। तो बस आप लोग मत ट्रोल कीजिए, मत बैड कमेंट कीजिए, क्योंकि एक दो बैड कमेंट से ही आदमी ना इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना मतलब कोई गलत डिसीजन ना ले ले, क्योंकि बात यह जिंदगी की है, ठीक है। देखिए गलती सबसे हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है आप किसी को मार दोगे या मतलब उसको साथ क्या करोगे, आप उसको अब क्या कर लोगे, मार लोगे, पीट लोगे, क्या कर लोगे, गलती तो हो गई ना, समझ रहे हो ना। आगे के लिए वो सीख लेगी कि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती रिपीट ना हो। तो बस यही थी एक वीडियो, आज की जो वीडियो थी बस मैं यही कहना चाह रही थी, जो मुझे लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। जितना मैं इनकी वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती, थोड़ी बहुत जब भी देख लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मत करो, मत दो, क्योंकि जब हम लोग कमेंट पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार क्या कह दिया, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो बार बार चलती रहती है, ऑलरेडी टेंशन में है, अब गलती करिए तो होंगे ही टेंशन में, तो ठीक है, इज्जत की बात है, इज्जत एक दूसरे की उन्होंने खूब उछाली है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ख़त्म कर दो। कब तक खींचोगे, रोज़ नई वीडियो आएंगी, तो सपोर्ट मत करो, मत करो, लेकिन गंदा मत बोलो, मत बोलो, छोड़ दो, वीडियो देख लो, कोई बात नहीं। तो बस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।